मानूंगा। अब जी डॉक्टर साहब इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में कहीं पर किसी का भी सर तन से जुदा होता है या छोटा बड़ा कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हम अपने टीवी चैनल्स के ऊपर उन्हीं लोगों को पाते हैं ये कहते हुए सुनते हैं कि ये मुसलमानों का इस्लामिक जिहाद है। जी लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा जी कि अपने भाइयों की आपको वध करना है जी और ये हत्या नहीं कहलाएगी क्योंकि ये बुराई की अच्छाई पर जीत है जी, इसको किस तरह से आप समझना चाहेंगे? जी अतिकुर रहमान साहब का सवाल है, अतिकुर रहमान साहब के सवाल से जुड़े हुए मेरे पास अपने सवाल हैं जो आज मैं दिन भर कुरान पढ़ने के बाद में निकाल कर लाया हूं। लेकिन सवालों पर मैं जाऊं उससे पहले जरूरत हो जाती है कि मैं आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी के पास जाऊं, क्योंकि अतिकुर रहमान साहब ने मुझसे कहीं ज्यादा उम्मीद आचार्य जी से की है। तो आचार्य जी, जिज्ञासा है अतिकुर रहमान साहब की, वो शिवराज बाडल जी की बात को तवज्जो नहीं देना चाहते पर ये जरूर समझना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए जब प्रेरित कर रहे हैं तो वो धर्म के तहत है, और कुरान में अगर कुछ वर्णित है तो वो आपत्तिजनक है। ये गीता की जो मीमांसा है वो आप जैसे विद्वान के माध्यम से साझा हो हमारे साथ। सबको सादर मेरा जय श्री कृष्ण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जी। जी मैंने इससे पूर्व आदरणीय सांसद महोदय के मुख से, श्री पांडे जी के मुख से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुने तो मुझे बड़ा आनंद हुआ जी। और निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति के मुख से ऐसे पवित्र ग्रंथ के जो पवित्र श्लोक मिलते हैं तो पता चलता है कि सात्विकता और पवित्रता उस पूरी मातृत्व संगठन के द्वारा हमें फूट फूट के भरी हुई है। आदरणीय रहमान साहब ने भी बड़ी सुंदर बात कही जी। भगवत गीता के बारे में पहले तो मैं ये बताऊं कि संपूर्ण भगवत गीता को पढ़ने के बाद जैसा पांडे जी ने व्याख्या की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय सब और अंत में हम कहते हैं कि नष्टो मोह स्मित्र लब्ध्वा तत्प्रसादान मया चतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवः जी। मैं रहमान साहब इसमें एक बात आपसे निवेदन पूर्वक आदर पूर्वक कहना चाहता हूं, इसमें कहीं भी किसी को मारने की, प्रताड़ित करने की, दबरसी दबाने की, हत्याने की बात नहीं है जी। संपूर्ण भगवद गीता का सार केवल कौरवों को मरवाना है ऐसा नहीं है, वो एक बहुत उद्देश्यों में से एक निमित्त मात्र उद्देश्य था जी। और चूंकि वह एक समय की मांग थी, हमारे यहाँ ये कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर पहले तो कौरवों को मनाने का प्रयास यही किया था कि इनको 5 गांव दे दीजिए जी। जब अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार अपने चरम पर पहुंच गया तब हमारे धर्म शास्त्र में जहां से महाभारत जी से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ है वहां एक श्लोक है जी, धर्माद येत यत कर्म यद्यपि शान महाफलम न तत सेवत मेधावी न तद्य मुच्यते। इसका अर्थ यह है कि स्वयं अधर्म ना करना, स्वयं पाप ना करना ही धर्म का परिचायक नहीं है जी, अपितु वह अधर्म, वह पाप जिसको हम चाहते समय रहते रोक सकते थे, हम उसका प्रतिकार कर सकते थे। सामर्थ्यवान और शक्तिवान होने के बाद हम मौन रहकर बुराई को सहन करते रहे तो यह भी अधर्म की श्रेणी में आता है जी। यत्र धर्मो हमेण सत्यम यत्रामृते न च हन्यते प्रेक्षामाणा नाम हतास्तत्र सवासदः। भगवान वेदव्यास श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जिस सभा में अथवा जिस राज्य में सामर्थ्यवान लोग और विद्वान लोग सत्य के पक्ष में अपने बल का उपयोग नहीं करते तो अन्याय करने वाला, अनीति करने वाला जितना बड़ा दोषी होता है उस अन्याय अनीति को सामर्थ्यवान होकर सहन करने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है जी। तो केवल इतना उद्देश्य नहीं था कि भगवान का यह कहने का कि इनकी हत्या करके तुम सत्ता हत्या लो, हमारे यहाँ सत्ता हत्याने के लिए कभी भी हमारे हिंदू समाज में एक युद्ध का प्रमाण नहीं मिलेगा। हमने विस्तारवाद के नाम पर, हमने सीमावाद के नाम पर कभी भी रक्त नहीं बहाया जी। हम उस भगवान राम की परंपरा के लोग हैं जो अंतिम समय तक रावण को मरने से पहले कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी अंगद को भेज रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान यही कह रहे हैं हमारे यहाँ शस्त्र बहुत बाद में उठाया जाता है, हमारे यहाँ शस्त्र बहुत अंत में।
बिने न मानत जलद जल गए तीन दिन बीत, भोले राम सकोप तब भयविन होए ना प्रीत। भगवान श्री राम ने